हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल फैंटेसी ज्ञान। तो इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि आरसीबी की ऑक्शन प्लेयर्स के एंड उनकी बेस्ट पॉसिबल प्लेइंग लाइनअप के बारे में फॉर द अपकमिंग आईपीएल सीजन। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ऑक्शन स्टार्ट होने से पहले, जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, दिल्ली कैपिटल्स ने अपने दो प्लेयर्स आरसीबी को ट्रांसफ़र कर दिए थे ड्यूरिंग दी ट्रेडिंग विंडो। जो प्लेयर्स थे उनका नाम है डैनियल सैम्स एंड हर्षल पटेल। मे बी उन्होंने डैनियल सैम्स ये सोच के ट्रांसफ़र कराया होगा, ऑलरेडी उनके पास मार्कस स्टोइनिस जैसे प्लेयर अवेलेबल थे मिडल ऑर्डर में। मे बी उनका ये मोटिव रहा होगा कि दे शुड फोकस मोर ऑन देयर टॉप ऑर्डर ओवरसीज बैट्समैन। अब हम बात करते हैं आरसीबी के बारे में। तो ऑक्शन में जाने से पहले आरसीबी का पर्स वैल्यू था 35.4 करोड़ रुपीज एंड उनके पास टोटल 13 स्लॉट्स अवेलेबल थे, आउट ऑफ विच उन्होंने 10 स्लॉट्स अपने कंप्लीट किए। उनमें से 4 स्लॉट्स ओवरसीज के थे इंक्लूडिंग डैनियल सैम्स एंड बाकी के रिमेनिंग 6 स्लॉट्स इंडियन प्लेयर्स के थे इंक्लूडिंग हर्षल पटेल। तो उसके बाद उनका टोटल स्क्वाड साइज होता है 22 प्लेयर्स का। मुझे थोड़ी हैरानी ये हुई कि उन्होंने जब ऑक्शन ख़त्म किया तो उनके पास सिर्फ 35 लाख रुपए बचे एंड दे कुडंट इवन कंप्लीट दी मैक्सिमम स्क्वाड साइज लिमिट विच इज़ 25। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि उन्होंने ऑक्शन में कौन से ओवरसीज प्लेयर्स को खरीदा है। जो सबसे पहला जो ओवरसीज प्लेयर है उन्होंने खरीदा है काइल जेमिसन को, जो कि उन्हें मिले हैं 15 करोड़ रुपीज में। आरसीबी की मेजर जो वीकनेस है वो उनकी बॉलिंग लाइनअप ही रही है एंड उनके पास काफ़ी टाइम से एक स्पेशलिस्ट डेथ बॉलर भी अवेलेबल नहीं है। आरसीबी ने ये सोच के परचेस किया होगा कि दे कैन यूज़ काइल जेमिसन मे बी इन द डेथ ओवर्स। लेट्स सी वो कैसे यूज़ करते हैं जेमिसन को। जो नेक्स्ट प्लेयर आते हैं उसका नाम है ग्लेन मैक्सवेल। ग्लेन मैक्सवेल को 14.25 करोड़ में खरीदा गया है। ग्लेन मैक्सवेल को ये सोच के खरीदा हो कि विराट कोहली, एबीडी एंड ग्लेन, अगर इन तीनों का कॉम्बो इनके पास रहता है बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव साबित हो सकता है अगर उनको प्रॉपरली अच्छी तरीके से यूज़ कराया जाए। तो अगर इन तीनों में से कोई भी दो बैट्समैन स्लॉग ओवर्स तक टिक जाता है, इनका खौफ एकदम किरण पोलार्ड एंड हार्दिक पांड्या की जैसा ही रहेगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट प्लेयर के बारे में। जो नेक्स्ट प्लेयर है उनका नाम है डैनियल क्रिश्चियन, जिसको खरीदा गया है 4.8 करोड़ रुपीज़ में। अब हम बात करते हैं इंडियन प्लेयर्स के बारे में। तो इंडियन प्लेयर्स में आरसीबी ने 5 अनकैप्ड प्लेयर्स को खरीदा है, जो कि सभी प्लेयर्स उन्हें 20 लाख रुपए मिले हैं एंड उनका नाम है सचिन बेबी, रजत पाटीदार, मोहम्मद अजहरुद्दीन, केएस भरत एंड सुयश प्रभुदेसाई। अब हम बात करते हैं कि इनकी बेस्ट पॉसिबल प्लेइंग लाइनअप के बारे में जो मैंने बनाई है। लेट्स सी, मुझे लगता है कि ओपनिंग में देवदत्त के साथ ओपन कराना चाहिए एक और इंडियन अनकैप बैट्समैन को, रजत पाटीदार या तो मोहम्मद अजहरुद्दीन। दोनों का ही परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहा था ये रीसेंट सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में। अगर आपको याद होगा कि अजहरुद्दीन ने कुछ 130 प्लस स्कोर किया था एक मैच में एंड रजत पाटीदार का भी स्ट्राइक रेट काफ़ी अच्छा रहा है। मेरे हिसाब से इन दोनों प्लेयर्स को देवदत्त के साथ इक्वली मौका देना चाहिए अपने आप को प्रूव करने का एंड अपने स्किल सेट को शो करने का। एंड इसी के साथ मैं नंबर 3 पे विराट कोहली एंड नंबर 4 पे एबीडी, आई वुड लाइक टू हैव मैक्सवेल एट नंबर 5। बहुत ही अच्छा रोल प्ले कर सकते हैं अपनी टीम के लिए। अब उसके बाद मैं बात करूंगा नंबर 6 पे। नंबर 6 में मैं भेजना चाहूंगा डैनियल सैम्स को। अब उसी के साथ मैं नंबर 7 पे खिलाऊंगा वॉशिंगटन सुंदर को एंड नंबर 8 पे खिलाऊंगा जेमिसन को एंड नंबर 9 पे मोहम्मद सिराज एंड एट नंबर 10 एंड 11 यूजी एंड नवदीप सैनी। मुझे अभी भी एक कमी दिख रही है डेथ बॉलर्स की इनके स्क्वाड में। ऑलमोस्ट हर टीम के पास फर्स्ट चॉइस डेथ बॉलर प्रेजेंट है ही। मे बी काइल जेमिसन भी बहुत ज़्यादा अच्छा साबित हो, क्योंकि हम क्रिकेट में किसी को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते हैं। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। अब हम आरसीबी के फाइनल प्लेइंग 11 पर नज़र डालते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि आरसीबी के पास 7 बैटिंग ऑप्शंस एंड 7 बॉलिंग ऑप्शंस हैं, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है। यही चीज़ आरसीबी को काफ़ी स्ट्रॉन्ग एंड वर्सेटाइल बना देती है विद द हेल्प ऑफ क्वालिटी ऑलराउंडर्स। अगर आपको मेरी एनालिसिस अच्छी लगी हो या फिर ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो थोड़ी बहुत भी, प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर से लाइक कर देना और मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब भी कर लेना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दी वीडियो।